तो हम चर्चा कर रहे थे अपराध के तत्व के संबंध में। पहला तत्व मनुष्य, दूसरा तत्व है आपराधिक मन, तीसरा जो तत्व है वह है आपराधिक कृत्य, चौथा तत्व है मनुष्य अथवा समाज को अपराध द्वारा की गई क्षति। यदि यहां से प्रश्न आता है कि अपराध के जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, और आपके सामने पहले विकल्प के रूप में आता है मनुष्य, दूसरे विकल्प के रूप में आपराधिक मन, तीसरे विकल्प के रूप में आपराधिक कृत्य, और चौथे विकल्प के रूप में अगर आता है ऑल ऑफ एबव, तो आप ऑल ऑफ एबव को टिक कर देंगे और अपने प्रश्न को सही कर देंगे। अब हम आते हैं अपराध के तत्व के बाद अपराध के स्तर के बारे में, कि अपराध के कौन कौन से स्तर होते हैं। जैसा कि आपने अभी आपराधिक अपराध, अपराध के तत्व के बारे में देखा, अब आप देखेंगे अपराध के स्तर कौन कौन से होते हैं। हमारी हेडिंग है अगली, अपराध के स्तर। अपराध के प्रायः तीन स्तर होते हैं कि हम यहां चर्चा करते हैं। अपराध के तीन स्तर होते हैं, जिसमें से पहला है आशय, दूसरा है तैयारी और तीसरा है प्रयत्न। यह अपराध के तीन स्तर हैं, पहला है आशय, दूसरा है तैयारी और तीसरा है प्रयत्न। हम इनको समझते हैं कि आशय, तैयारी और प्रयत्न जो अपराध के तीन स्तर हैं ये क्या हैं। साथियों, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि रमेश और सोहन, यह दो व्यक्ति हैं। रमेश और सोहन यह दो व्यक्ति हैं जो पड़ोसी हैं एक दूसरे के, एक दूसरे के पड़ोस में रहते हैं, और इनके बीच में एक जमीनी विवाद है। रमेश और सोहन दो पड़ोसी हैं और इनके बीच में एक जमीनी विवाद है, और इस जमीनी विवाद के चलते रमेश ने सोचा कि वह सोहन की हत्या कर दे। रमेश और सोहन के बीच में जो विवाद है उसके लिए रमेश ने सोचा कि वह सोहन की हत्या कर दे, तो उसके लिए रमेश के मन में विचार आया कि वह सोहन की हत्या कर दे। जमीनी विवाद के चलते रमेश ने सोचा कि वह सोहन की हत्या कर दे, तो अपराध
करने के लिए रमेश के मन में जो विचार आया, जो आशय आया, वह अपराध का पहला स्तर है और वही है आशय। तो रमेश ने सोचा कि वह सोहन की हत्या कर दे, यह अपराध का पहला स्तर हुआ और यही है आशय। अब रमेश ने सोचा कि सोहन की हत्या कर दे, लेकिन कैसे करे? रमेश ने सोचा कि हम जो सोहन की हत्या करने जा रहे हैं वो बंदूक तमंचे से करें अथवा किसी धारदार हथियार से करें। तो रमेश ने सोहन की हत्या करने के लिए तमंचा अथवा धारदार हथियार इकट्ठा किया। रमेश ने सोहन की हत्या करने के लिए कहीं से तमंचा लाया या कहीं से धारदार हथियार लाया और सोचा कि वह सोहन की हत्या कर दे। तो रमेश ने सोहन की हत्या करने के लिए जो तमंचा अथवा धारदार हथियार की व्यवस्था की, यह अपराध का दूसरा स्तर है और यही है तैयारी। रमेश ने सोचा कि वह जमीनी विवाद के चलते सोहन की हत्या कर दे, यह था आशय कि रमेश सोहन की हत्या करना चाहता है। फिर सोहन की हत्या करने के लिए वह कहीं से धारदार हथियार और तमंचा लाया, यह हो गई तैयारी। अब रमेश ने अपने तमंचे से सोहन के ऊपर फायर कर दिया या रमेश ने अपने धारदार हथियार से सोहन की हत्या करने के लिए हमला कर दिया सोहन के ऊपर, तो यह हुआ प्रयत्न। तो यह था अपराध का तीन स्तर और यह स्तर है आशय पहला, दूसरा है तैयारी और तीसरा है प्रयत्न। अपराध के तीन स्तर में रमेश ने सोचा कि वह जमीनी विवाद के चलते सोहन की हत्या कर दे, यह हुआ आशय। फिर रमेश ने सोहन की हत्या करने के लिए तमंचे की व्यवस्था की, तमंचा लाया और उसमें बुलेट भरी, यह हुआ तैयारी। फिर रमेश ने सोहन की हत्या करने के लिए सोहन को लक्ष्य करके फायरिंग कर दी और यह हुआ प्रयत्न। यह थे अपराध के तीन स्तर, आशय, तैयारी और प्रयत्न। प्रायः इसी आधार पर अपराध घटित होते हैं, आशय, तैयारी और प्रयत्न, यही अपराध के तीन स्तर। अब अगर परीक्षा में यहां से प्रश्न आता है कि अपराध के कौन कौन से स्तर हैं, जिसमें पहले विकल्प के रूप में अगर आशय है, दूसरे विकल्प के रूप में अगर तैयारी है, तीसरे विकल्प के रूप में अगर प्रयत्न है और चौथे विकल्प के रूप में है उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, तो यदि आप अपराध के तीन स्तर के बारे में पढ़े हैं जिसमें पहला विकल्प है आशय, दूसरा है तैयारी, तीसरा है प्रयत्न और चौथा है उपरोक्त सभी, तो आप बहुत ही आसानी से इस प्रश्न का जवाब दे देंगे और आप लगा देंगे
उपरोक्त सभी, यह हुआ अपराध, अपराध के तत्व और अपराध के स्तर के बारे में। अब हम आईपीसी पढ़ने के लिए जो भूमिका है हमारी, उसमें एक और शब्दावली की हम चर्चा कर लेते हैं और वह है आरोपी अभियुक्त और अपराधी। हम चर्चा करते हैं इन तीन शब्दावली के बारे में, जिसके बारे में हम आगे जब आईपीसी में बात करेंगे तो ये शब्दावली वहां आएगी और हम पहले से जानते रहेंगे तो हमें समझने में आसानी होगी। तो बात करते हैं आरोपी कौन होता है, अभियुक्त कौन होता है और अपराधी कौन होता है। बोलचाल की भाषा में तो अगर हम नहीं जानते हैं तो हम ये सारे व्यक्ति एक ही समझ लेते हैं, लेकिन कानून की भाषा में आरोपी, अभियुक्त और अपराधी, यह तीनों शब्द अलग अलग है। आरोपी वो होता है जिसके ऊपर कोई आरोप लगता है, इसके नाम से ही स्पष्ट है आरोपी। और आरोपी वह है जिसके ऊपर आरोप हो। आरोपी वह है जिसके ऊपर आरोप हो। जैसे मान लीजिए कि कहीं हत्या हुई और उस हत्या के संबंध में संबंधित व्यक्ति के परिजनों ने जिस आदमी के ऊपर आशंका जाहिर की कि यह व्यक्ति हत्या किया है, तो वह कानून की नजर में आरोपी कहा जाएगा। अर्थात आरोपी मतलब जिसके ऊपर आरोप हो। अब जब हत्या हुई और मान लीजिए रमेश ने सोहन की हत्या की, मान लीजिए कि रमेश ने सोहन की हत्या की और सोहन के परिवार वालों ने रमेश के ऊपर हत्या करने का आरोप लगाया, तो फिर रमेश क्या हुआ? आरोपी हुआ। रमेश क्या हुआ? कौन हो गया? आरोपी हुआ। अब जब हत्या हुई और रमेश के ऊपर हत्या का आरोप लगाया गया तो फिर पुलिस ने अपनी विवेचना शुरू की, और जब पुलिस ने विवेचना शुरू की और पुलिस ने पाया कि जो घटना हुई है हत्या की, उसमें रमेश के विरुद्ध साक्ष्य मिल रहा है, जो हत्या की घटना हुई उसमें रमेश के विरुद्ध सबूत मिल रहा है, जब पुलिस ने यह पाया तब पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने आरोप पत्र या जिसको आप सब चार्जशीट बोलते हैं,
जब रमेश ने सोहन की हत्या की और पुलिस ने विवेचना करने के दौरान यह पाया कि रमेश के विरुद्ध सोहन की हत्या करने के मामले में रमेश के विरुद्ध सबूत पाया जा रहा है, तब इस हत्या के संबंध में पुलिस ने सबूत इकट्ठा किया और उसको न्यायालय में प्रस्तुत किया। आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया तो अभी तक जो रमेश आरोपी था वह घटना के संबंध में साक्ष्य पाए जाने पर पुलिस द्वारा जो आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित हुआ, तो अब रमेश क्या हो गया? अभियुक्त, अर्थात अभियुक्त उसको कहते हैं जो जिसके खिलाफ घटना के संबंध में सबूत पाया जाए और पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में जब दाखिल हो जाए तब जो आरोपी होता है उसको हम अभियुक्त कहते हैं। अर्थात अभी तक जो रमेश आरोपी थे वह रमेश अब क्या हो गए? अभियुक्त हो गए। अब क्या हुआ? रमेश के खिलाफ अदालत में केस चला और केस चलने के बाद अदालत ने यह पाया कि वाकई में रमेश ने हत्या की है और हत्या की धारा 302 के तहत न्यायालय ने रमेश को दोषी करार दिया। हत्या के संबंध में जब अदालत ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को देखा तो अदालत ने पाया कि वाकई में रमेश ने सोहन की हत्या की है और फिर न्यायालय ने रमेश को हत्या का दोषी करार दिया। तो अब रमेश क्या हो गए? अब रमेश हो गए अपराधी, अर्थात आरोपी कौन है? जिसको किसी अपराध के करने पर आरोप जिसके ऊपर लगता है वह है आरोपी। अभियुक्त कौन है? किसी अपराध को करने के बाद जिसके ऊपर आरोप लगता है, यदि उसके संबंध में आरोप पत्र दाखिल हो जाता है तो वह जो व्यक्ति आरोपी था वो हो जाता है अभियुक्त। और जब अदालत अभियुक्त को दोषी करार देती है तब वही व्यक्ति हो जाता है अपराधी। अर्थात अपराधी वो व्यक्ति है जिसको अदालत ने किसी अपराध को करने के संबंध में दोषी करार दिया, उसे हम कहते हैं अपराधी। तो ये हुआ आरोपी, अभियुक्त और अपराधी के बारे में। और इन शब्दावली को समझने के बाद अपराध क्या है, अपराध के तत्व क्या है, अपराध के स्तर क्या है, आरोपी अभियुक्त और अपराधी कौन होते हैं, इस शब्दावली को समझने के बाद अब हम अपने इस विषय पर आते हैं, भारतीय दंड विधान 1860 पर। अब हम शुरुआत करते हैं आईपीसी पर, भारतीय दंड विधान 1860 पर, और चर्चा करते हैं आईपीसी पर। आईपीसी को 1 जनवरी
62 को लागू किया गया। यह आईपीसी संपूर्ण भारत पर लागू है सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर। यह जो आईपीसी है यह संपूर्ण भारत पर लागू है सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर। अब बात आती है कि यदि आईपीसी संपूर्ण भारत पर लागू है सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर, तो जम्मू कश्मीर में यदि कोई आपराधिक घटना घटती है तो वहां पर सजा किस आधार पर मिलेगी, किस संहिता के तहत मिलेगी, और जम्मू कश्मीर में यदि कोई अपराध घटित होता है तो जिस व्यवस्था के तहत उस अपराध के संबंध में सजा मिलती है और जो संहिता वहां चलती है उसको कहते हैं रणवीर संहिता। क्या कहते हैं? रणवीर संहिता। यह कहां चलती है? यह चलती है, शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, जे एंड के, और इसको आप समझेंगे जम्मू एवं कश्मीर। आईपीसी 1860, इसको 1 जनवरी 1862 को लागू किया गया। यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर इसके प्रावधान लागू हैं। जम्मू कश्मीर में रणवीर संहिता चलती है और यही प्रश्न उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2017, जिसमें मैं चयनित हूं और जिसमें मैंने इस परीक्षा को दिया था, इसी परीक्षा में दिसंबर 2017 में यह परीक्षा हुई थी, लेकिन उससे पहले जुलाई 2017 में इसकी परीक्षा हुई थी जो निरस्त कर दी गई थी, उसमें यही प्रश्न आया था। और यह प्रश्न 23 जुलाई 2017 को उत्तर प्रदेश दरोगा का जो एग्जाम हुआ था, लिखित परीक्षा 23 जुलाई 2017 को, उसमें यही प्रश्न आया था कि जम्मू कश्मीर में कौन सी संहिता चलती है, और इसका जवाब है रणवीर संहिता। जम्मू कश्मीर में रणवीर संहिता चलती है। अब हम आईपीसी में जो धाराएं हैं उस पर चर्चा करते हैं कि आईपीसी है क्या, इसमें कौन कौन सी धाराएं हैं। आईपीसी में कुल 511 धाराएं एवं 23 अध्याय हैं। आईपीसी में 23 अध्याय और 500
धाराएं हैं। अब हम आज आईपीसी की शुरुआत कुछ धाराओं के साथ कर देते हैं, और इस आईपीसी में शुरुआत करते हैं। धारा एक से, आईपीसी धारा एक। आईपीसी धारा एक कहती है, धारा एक आईपीसी इस संहिता के विस्तार से संबंधित है। आईपीसी धारा एक इस संहिता के विस्तार से संबंधित है, और आईपीसी धारा दो, आईपीसी धारा दो यह बात कहती है कि भारत की सीमाओं के अंदर आईपीसी के उपबंध लागू होंगे। आईपीसी धारा दो कहती है कि भारत की सीमाओं के अंदर आईपीसी के उपबंध सभी नागरिकों पर लागू होंगे। इसमें अब एक महत्वपूर्ण धारा पर हम आते हैं, आईपीसी चार, भारतीय दंड संहिता की धारा चार, यदि कोई व्यक्ति विदेश में है, मान लीजिए धारा दो के हिसाब से भारत की सीमाओं के अंदर भारत के प्रत्येक नागरिकों पर धारा दो के हिसाब से आईपीसी के उपबंध लागू होंगे, और धारा चार कहती है कि भारत की सीमाओं से परे भारत की सीमाओं से बाहर अथवा भारत में पंजीकृत किसी पोत या विमान भारत में पंजीकृत
किसी पोत या विमान। चाहे वह कहीं भी हो, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे यहां आईपीसी में एक एक शब्द पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि एक एक शब्द बदल गए तो धाराएं बदल गई, अपराध बदल गए और अपराध के हिसाब से उसकी सजा बदल गई। तो धारा 4 के अनुसार भारत की सीमाओं से बाहर किसी व्यक्ति पर इसके उपबंध लागू होंगे। साथ ही भारत में पंजीकृत किसी पोत या विमान, चाहे वह कहीं भी हो, उस पर धारा 4 के उपबंध लागू होंगे, आईपीसी धारा 4 के हिसाब से। इसमें हम एक और धारा पढ़ लेते हैं आज के लेक्चर में, और वह है आईपीसी धारा 10। आईपीसी धारा 10 में कानून में पुरुष और स्त्रियों को परिभाषित किया गया है। यह धारा आपकी लिखित परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में पुरुष तथा स्त्री को परिभाषित किया गया है, और उसका जो जवाब है वह होगा आईपीसी धारा 10। आईपीसी धारा 10 के हिसाब से पुरुष उसको कहेंगे जो पुरुष होगा, पैदाशी चाहे वो नवजात हो या वो किसी भी आयु का हो, वह धारा 10 के हिसाब से उसको पुरुष कहा जाएगा, चाहे किसी भी आयु का हो। और इसी प्रकार से स्त्री, चाहे वह किसी भी आयु की हो। यहां शब्दों पर ध्यान देने की जरूरत है, चाहे वह किसी भी आयु का हो मीन्स नवजात हो अथवा 80 साल का हो। उसी प्रकार से स्त्री में चाहे वह किसी भी आयु की हो या चाहे नवजात हो अथवा किसी भी आयु की हो, चाहे 80 साल की हो, यह भारतीय दंड विधान धारा 10 के अनुसार इसमें पुरुष और स्त्री को परिभाषित किया गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा आईपीसी के बारे में कि आईपीसी 1860 1 जनवरी 1862 को लागू हुई, और यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत पर लागू है। जम्मू कश्मीर में रणवीर संहिता चलती है। आईपीसी में कुल 23 अध्याय हैं और 511 धाराएं हैं। अब हम अपने आईपीसी के अगले लेक्चर में मूल विधि खंड के तहत हम पढ़ेंगे धारा 19 को, और यह धारा 19 न्यायाधीश से संबंधित है।
कि न्यायाधीश कहते किसको। तो फिर हम मिलते हैं भारतीय दंड विधान 1860 के धारा 19 जो न्यायाधीश से संबंधित है इस टॉपिक के साथ अपने अगले लेक्चर में। तब तक आप मूल विधि को समझते रहें, इसके प्रारूप को, अपराध, आरोपी, अपराधी, अभियुक्त के बारे में हमने चर्चा की, और हम अगले भी अपने लेक्चर में धारा 19 से अगली बात अपनी स्टार्ट करेंगे। तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।